You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro. Don't waste your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make. Hey guys, welcome to Spartan Subs. I hope guys are अच्छे होंगे. So guys, जैसे कि आप लोग से मैं पूछा था कि सुबह को कौन सा कैरेक्टर मुझे खरीदना चाहिए, कार्लो या एना, तो लिटरली भाई कार्लो का जो वोट है वो 99.9% है और एना तो कोई भी भाव ही नहीं दिया. और उसके साथ से एंडी को भी वोट मिला है, बट मैं आपको बता देता हूँ मेरे पास एंडी ऑलरेडी है. जब लॉन्च हुआ तो उसी दिन मैं परचेज कर लिया था, तो इसलिए मैं सुबह को आपको एंडी का नाम नहीं दिया था, ठीक है. तो फिलहाल के लिए फाइनली आज हम लोग कार्लो कैरेक्टर खरीदने वाले, वो भी टोटली फ्री. और मुझे लगता है 1.5 साल हो चुका है कार्लो आए हुए गेम पे, और अभी जाके मैं परचेस करने वाला हूँ. तब मैं परचेस नहीं किया था क्योंकि भाई तब मेरे पास यूसी नहीं था. खैर कोई नहीं, आज भी तो हम लोग यूसी से नहीं परचेस करेंगे, कार्लो को हम लोग खरीदने वाले हैं टोटली फ्री, ठीक है. और उसके साथ साथ 2-3 और भी चीज़ है जिसके बारे में आज हम लोग ये वीडियो में बात करेंगे, तो वीडियो को एंड तक देखो और बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला. तो चलो सबसे पहले तो भाई इसको बंद करना होगा और उसके बाद इसको काटते हैं. उसके बाद आप देख पा रहे हैं हम लोग का इन्वेंट्री में कितना कैरेक्टर वाउचर जमा हुआ. आप लोग कमेंट करो कि कितना कैरेक्टर वाउचर अभी आपके पास है अवेलेबल. और कुछ दिन में शायद एक्सूट वाला भी इवेंट आएगा, तो देखना होगा बीजेएमआई में वो इवेंट आता है कि नहीं. तो इधर आप देख पाए 1281 कैरेक्टर वाउचर है मेरे पास और 100 मिलना बाकी है, जो कि आज इवेंट आया है बीजेएमआई के अंदर. तो उसके बाद चलो हम लोग चलते हैं वर्कशॉप में, उसके बाद हम लोग चलेंगे कैरेक्टर में. और वैसे मुझे ये डिफॉल्ट कैरेक्टर ही पसंद है, इसलिए मैं ज़्यादा कैरेक्टर चेंज नहीं करता. बट अभी फिलहाल कार्डों को 1-2 दिन हम लोग यूज़ कर लेंगे. और इधर आप देख पा रहे हम लोग खरीदने वाले हैं कार्लो को. एना तो खरीदना नहीं है, बट हम लोग फ्यूचर में एना को भी खरीद लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है. तो इधर आप देख पा रहे हम लोग कार्लो टोटली फ्री में परचेस करने वाले. हम लोग एक भी यूसी इसमें यूज नहीं करने वाले, ठीक है. तो चलो हम लोग इसमें परचेस में क्लिक करते हैं. ओके बूम. तो इधर आप देख पा रहे फाइनली 1.5 साल बाद हम लोग कार्लो परचेस कर चुके हैं, इसको हम लोग ओके करते हैं और इधर हम लोग इसको यूज कर लेते हैं. उसके साथ साथ हम लोग फटाफट लेवल अप करते हैं. जैसे कि आपको पता होगा हम लोग पास लेवल अप कार्ड है, तो चलो यूज़ करते हैं. तो हम लोग का 200 बढ़ गया है. ओके हम लोग के पास 40 है क्या? ओके इसको ओके करते हैं. उसके बाद हम लोग का लेवल 4 तो ऐसे ही हो गया भाई. लेवल 6 हम लोग को लगता है आज ही हम लोग मैक्स कर लेंगे. लेवल 7 मैक्स नहीं होगा शायद, मैक्स नहीं होगा, देखते हैं. ओके गाइस, जितना एक्सपीरियंस कार्ड सबको यूज करके हम लोग 7th लेवल तक पहुंच गए. बाकी तो मैं खेल के कर दूंगा, मैक्स आउट कोई इशू नहीं है. और इधर आप देख पाए हम लोग कार्लो के एक्टर को लड़की बन गया, इसको ठीक है फेस हटा देते हैं. तो उसका चलो फिर वापस चलते हैं इसमें. ओके क्या क्या मिला भाई वैसे मेरे को, एक मिनट चेक करने दो. ओके एक क्रेट मिला, इसे ओपन करते. और अभी तक ये इमोट मिला हम लोग को, ये क्रेट मिला, ठीक है. और अभी हम लोग का 3 लेवल और बाकी है, चलो कर लेंगे कोई दिक्कत नहीं है. चलो एक बार हम लोग 10 ओपन कर लेते, देखते क्या होता है भाई. एक ही बार खोलूंगा मैं, लेट से क्या होता है, कितना मिलता है हम लोग को. ओके वॉइस मिला है, प्रैक्टिस राड, आउटफिट नहीं देगा क्या? नहीं देगा भाई. ओके कुछ लेजेंडरी आइटम मिल गया. ओके ये कुछ मिला भाई और नहीं यूज करना. एक हम लोग का सप्लाई कूपन मिल गया, चलो ठीक है कोई नहीं. सो गाइस हम लोग कार्लो तो परचेस कर लिया, अभी हम लोग 2-3 और टॉपिक उसको कवर कर लेते हैं. कुछ कुछ बंदे मुझे सुबह वाला वीडियो में कमेंट कर रहे थे कि भाई वाओ इनटू द स्नोमैन वाला जो स्नोमैन है उसको क्या हम लोग मिरर वर्ल्ड में बना सकते हैं. जी नहीं, आप मिरर वर्ल्ड में ये वाला स्नोमैन को नहीं बना सकते हो. डिफॉल्ट इरेंगल जो है उसमें आपको खेलना होगा, उधर आप स्नोमैन केवल बना पाओगे, ठीक है समझ में आ गया. और उसके साथ साथ एक और कमेंट था कि कैसे हम लोग अपने फ्रेंड के साथ स्नोमैन बना सकते हैं. तो चलो मैं आपको दिखा देता हूं कैसे आपको करना. सिंपली एक बंदे को सबसे पहले तो एक बेस बनाना है स्नोमैन, और उसके ऊपर आपको बिल्ड करने का ऑप्शन आएगा. टोटल 4 बंदे एक स्नोमैन को बना सकते हैं. जितना ज्यादा स्नोमैन को आप बिल्ड करोगे, अपग्रेड करोगे, उतना ज्यादा रिवॉर्ड मिलेगा. चलो लाइव में आपको दिखा देता हूं किस तरह का मैं किया था अपने फ्रेंड के साथ. ऑटोमेटिकली पूरा बिल्ड हो चुका है, ठीक है. जितना ज्यादा आप बिल्ड करोगे उतना ज्यादा रिवॉर्ड इसमें आते ही रहेगा, और आप ये देख पा रहे हो लाइव, ठीक है. तो ये छोटा सा क्विक इन्फॉर्मेशन था, मैं आपको बता दिया. और सिंपली आपको ये जगह में जाना है, ये कुछ लोकेशन में जाओगे तो आपका स्नोमैन बन जाएगा, ठीक है. उसके बाद हम लोग आते हैं लास्ट टॉपिक में. तो मैं आपको बता देता हूँ जो हम लोग का
स्क्विड गेम मोड था, उसका रियल नेम निकल के आ चुका है। इस ये मोड का नाम रहेगा द रिएक्ट सर्वाइवल मोड, और ये आपको 20 दिसंबर को गेम के अंदर बीजीएमआई पबजी मॉल के यार सब में देखने को मिलेगा, और आर्केड सेक्शन में आप ये वाला मोड को खेल सकते हो। मैं आपको ऑलरेडी इसका गेम प्ले का थोड़ा बहुत लुक दिखा चुका हूँ, अभी तक कोई भी बंदा इसको खेला नहीं क्योंकि ये पबजी मॉल के बीटा वर्जन में नहीं आया था, डायरेक्टली इसको ग्लोबल में लॉन्च किया जाएगा। तो जिस दिन 20 तारीख को ये लॉन्च होगा, जिस दिन रॉयल पास आएगा, उसी दिन हम लोग इसको चेकआउट कर लेंगे किस तरह के मोड है। डेफिनेटली इसको खेलने में बड़ी मजा आएगा। तो चलो इतना रखते हैं वीडियो को, आई होप आपको काफी अच्छा लगा ये वीडियो। अभी कोई कैरेक्टर नहीं भी खरीदने से चलता क्योंकि मे भी इसके बाद और भी न्यू कैरेक्टर आ सकता है, बट मैं परचेस कर लिया क्योंकि बहुत दिन हो गया था एक कैरेक्टर मुझे खरीदना था, तो मैं फाइनली परचेस कर लिया। ठीक है, खैर अभी हम लोग चलते हैं, ये वीडियो को इतना रखते हैं। थैंक यू सो मच गाइस एंड हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय। You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro. Don't waste your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon. And I'll do it cause it's what I wanna fucking do. Cause all these opinions and all these positions, they come in millions, they blocking your vision. But no, you can't listen, that shit is all fiction. Cause you hold the power as long as you're trying to make it. There's no way that you make it. Maybe you can fake it, but you're never gonna make it. Aren't you just gonna take that? Make them take it all back. Don't tell me you believe that. Aren't you just gonna take that? So will you fucking fight back? Fight back. You ain't gonna make it, you ain't never ever gonna break it. You can never beat them and they're better than you face it. Thinking that they give a damn, you're not thinking straight, kid. No, they don't give a damn, you got what I'm saying? I'm not fucking playing, I'll give it to you straight, man. There's too many others and you're not that great, man. Stop what you're saying, stop what you're making. Everybody here knows that you're just faking. Nah, I don't wanna hear it anymore, I don't wanna hear it anymore. All these fucking thoughts, they are not what I need anymore. I'm about to shut the motherfucking door. There's no way that you make it. And maybe you can fake it, but you're never gonna make it. Aren't you just gonna take that? Make them take it all back. Don't tell me you believe.